सुन रहे हो क्या निखिल? इधर आ यार, ये अपने एक्वेरियम में क्या हो रहा है? ये देखो, एक पहले किसी ने फिश किया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? होप करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे, खुशी की तरह। और खुशी आज इतनी खुश क्यों है? क्योंकि खुशी बहुत सारी ऐसे घूम के आ चुकी है, बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई, घूमना फिरना बहुत हो गया और आज तो पूरा जो मेरा दिन है तो पूरा अपने घर को देने वाली हूँ। तो अपने घर को अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब आपका आसपास का जो वातावरण होता है, आप आसपास का जो एरिया होता है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है तो आपका दिन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो फिर इसी रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, खुद को अच्छे से बना लिया है। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर से बताइएगा, अच्छी लग रही होंगी ना। और ये है हमारा लड्डू, ये मेरा लड्डू गोपाल है, ग्यारह साल, ये भी ना के आ चुके हैं और अब कह रहा है कि आज मम्मा मेरी छुट्टी है तो आपको फुल हेल्प करवाऊंगी, पूरे दिन हेल्प करवाऊंगी मैं। तो मैंने ऐसा कब कहा भाई? अभी कहा है इसने। सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ और चौधरी साहब को आज खाना है फिर से पनीर टिक्का, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने पनीर टिक्का बनाया था, खाया था, तो इनको इतना ज्यादा टेस्टी लग गया तो आज फिर से कह रहे हैं कि फिर से मुझे पनीर टिक्का खाना है। तो ये कुछ कुछ सामान लेने के लिए गई हुई मार्केट, तब तक हम अपने किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं। वहाँ पे स्पीकर्स है और इनमें से आवाज आ रही है, हर कोने में एक स्पीकर है, किचन में भी है उस साइड। ये नहीं तो क्या है? बच गया मेरा फोन, दिल में कांटा सा चुभ गया मेरे मेरे से ज्यादा चौधरी साहब के कि मेरा तो फोन गया। गाइस, फोन मेरा बाल बाल बचा है तो इसके लिए मैं कुछ इंतजाम करूंगी, इसको कहीं सेट करते हैं। आपने मेरे पीछे वाले व्लॉग्स देखे कि नहीं देखे? हमने उत्तराखंड में खूब मस्ती करके आए थे, अभी कुछ दिन पहले हम गए थे। और आपको वो वाले वीडियोस कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताया करो यार, कैसा लगता है मुझे थोड़ा सा मतलब पता चले कि हाँ मतलब आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या मतलब मुझे इसमें और कुछ करना चाहिए, और ये सब आप चीज़ें मुझे ऐसे बता सकते हैं। तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं हूँ, सारे दिन प्यार करती हूँ, है ना? हाँ कहो। कहाँ से कहूँ? ले से इसे। सुन रहे हो क्या निखिल? इधर आ। यार ये अपने एक्वेरियम में क्या हो रहा है? क्या हो गया? ये देखो, एक पहले किसी ने फिश की आंख खाई, आज फिर से किसी ने एक की और आंख खा ली है, ये इसकी। और ये तो मेरे को लग रहा है ये तो गई भाई, तीन दिन एक दो पीछे भी। ओ भाई साहब, ये तो सच में भाई, इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा।
ये मुझे लग रही है, ये इन्हें निकालो अलग करो। बड़ी वाली ना? हाँ। देखो एक तो मर गई है इसमें, और एक तो इस एक इसकी खाली आंख तो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। अब क्या कर सकते गाइस, अगर आपके पास ऐसी फिशेज है तो आप उसको कैसे रखते हो, आप मुझे गाइड कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। क्या निकल भाई, ये तो गलत हो गया। इनके ऊपर है ना कैमरा लगाना पड़ेगा कि खा कौन रहा है। ये एकदम खाती है, रात को आती है। आंखें खा जाती है क्या इसको, आंखें टेस्टी लगती है। इतनी छुटकी सी लग रही है। इसकी आंख टेस्टी लग रही है भैया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये मेरे को तो बड़ा ही ऐसे दुख हो। चलो आप ये खुशी की बात है, आप इतने खुश हो रहे हो इस चीज को लेकर। गलत बात। अच्छा आप ये पनीर टिक्का खा के बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। एकदम पूरा कंप्लीट खाना है, सीख अलग कर दिया इसने। सर पनीर खाने की फिराक में ही है, इसीलिए मछली छोड़ देती है सर, वहां के खाती है। ये इसका वो है टाइम। सब्जी में खाली पनीर खाती है। और बाकी घर वालों का दिमाग। चलो चलो खाओ, मेरे को टेस्ट बताओ कैसा है, नहीं तो फिर कुछ चेंज करते। कुछ खाएगी नहीं तो उसे स्वाद कैसे आएगा, ये पनीर सिर्फ खाली का क्या स्वाद ले रही है। कोई ना, खाने दे इसको, खाने दे। अरे तो वो पूरा फ्लेवर पता चल रहा है ना उससे, जब वो दोनों साथ में आएंगे। इसका तो टेस्ट पता ही है कैसा होता है। अभी रिदम के ऊपर फोकस किया जाए, टेस्टी है। लग तो नहीं रहा ऐसे, शक्ल से तो ऐसे लग रहा है कि टेस्ट नहीं आया। से अच्छा है, ठीक है कि इक्वल है। देखो क्या बता। रुको रुको रुको, आने दो भाई, आने दो, सोच रही है इसके। हाँ कैमरा हटेगा तो बोलेगी, मैं तो कैमरे भी लेने वाली हूँ, बता बढ़िया है ना। नहीं नीचे मत गिरा देना, लग रहा है ये बड़ी वाली तो नहीं खाती, ये तो ऐसी सीधी सी है बेचारी, वो मेरे को लग रहा है वो खाती है गोल्डी। आप एकदम ही किनारे पे लेके आ रहे हो, ये नीचे गिरा दोगे। प्रेशर क्या, तो आप इसी तरीके से निकाल रहे हो, उनके दर्द होता है भाई, होता है। मैं ऐसे किसी को दर्द में नहीं देख सकती। निखिल टच करना है क्या इनको, इतनी प्यारी लग रही है ना। हेलो, देखना ये कैसे मुंह खोल रही है। तो फ्रेंड्स पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। आ जाओ जी जल्दी आ जाओ, नहीं तो फिर मैं अकेली खा जाऊंगी, फिर आप बैठे रहना, फिर आप कहोगे कि कहाँ गया मेरा खाना। तो बच्चों ने नाश्ता पानी कर लिया है, अब है हमारी बारी। आज चौधरी साहब ने एक्वेरियम भी साफ कर दिया है, बट मेरे को एक्वेरियम के लिए ऐसा बड़ा वो फील हो रहा है यार मेरी फिश को। जी हमारा कपड़ों का भंडार आज खुल चुका है, क्योंकि हम सर्दियों वाले कपड़े अंदर रख रहे। इतने ज़्यादा कपड़े ला के देते हो ना, मैं अगली बार आपको कहूँ कि मुझे कपड़े चाहिए तो आप ना कर देना, ठीक है। कपड़े मतलब हर जगह मेरे कपड़े भरे पड़े हैं भाई, तो निकल चुके हैं मतलब अलमारी में कपड़े। अलमारी खोले ना मेरी तो कपड़े यू निकल के आते हैं, हर जगह कपड़े भरे पड़े हैं। सही में, और जब ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब कुछ अच्छा सा पहनना है, तब ऐसे सोचती हूँ यार मैं क्या पहनूं। और हद से ज्यादा कपड़े हैं, इनको समेटते समेटते हालत खराब हो जाती है। तो हर किसी के साथ ही होता है, मेरे साथ ही नहीं है ये। हाँ सब आते हैं मुझे,
और मैं ना इतने ज्यादा कपड़े ना डोनेट भी करती रहती हूँ, देती रहती हूँ, जो मैं पहन पहन के बोर भी हो जाती हूँ कि ठीक है वो और नहीं, तो वो सब मैं दे भी देती हूँ, तब भी मेरे कपड़े इतने भरे रहते हैं जी नहीं के ना। मैं क्या करूँ, मेरे से गली से नहीं हो पा रहा, मैंने सारा बिखेर के रख लिया। मतलब मैं रूम की तरफ देख रही हूँ ना, आप सबको तो मैं दिखा भी नहीं सकती ऐसा रूम पड़ा मेरा। मैं ना सुबह से खड़ी खड़ी खड़े मेरे ना पैरों में इतना ज़्यादा दर्द, उसमें कपड़े निकाल दूँ, कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद में फिर से काम करेंगे, अभी हिम्मत नहीं हो रही है इतनी। अभी तो आप कह रहे थे थक गई। हाँ, मशीन में कपड़े पड़े थे, फिर मैं सोचा धूप चली जाएगी तो कपड़े पहले सुखा देते हैं, उसके बाद में रेस्ट करेगी। अभी इसमें वैसे अपन ने सर्दी के कपड़े काफी रख दिए, बट ये जो निकले हैं ये भी सर्दी के ही है ना, कुछ ये पैंट भी मोटी है। और पैंट सुखाने वाली क्या मतलब पैंट मोटी है जो आपने सुखाई है, सुखाने वाली पैंट मोटी है। पैंट सुखाने वाली मोटी है ये नहीं कहा मैंने, सुखाने वाली पैंट मोटी है ऐसा कहा। देखो कितनी मोटी, आप तो नहीं कहा, मैं नहीं सुखाऊं, मैं नहीं का कोई काम नहीं करूंगी। आप तो बहुत पतले हो, फूंक मारूं तो उड़ जाओगे, फूंक मार नहीं रहा ना। पहले खुद को देख लो। मेरा तो क्या ऐसे नहीं होता है, तो बहुत मेहनत लगती है पता है ना, एक्सरसाइज करनी पड़ती है मेरे को पता है। वही काम किया करो। अच्छा बढ़िया है। कल परसों मैंने एक जगह पढ़ा था घर का काम कराने से हेल्थ सही रहती है, बैठ के पोछा लगाने से हेल्थ सही रहती है, पेट अंदर जाता है, हॉर्मोन सही होते हैं। नहीं तो पहले आप करके दिखाओ। अच्छा डेमो करके दिखाओ, डेमो करके दिखाओ, 2 महीने तक आप घर में कंटिन्यूअसली पेट की पोछा लगाओ। डेमो तो एक ही बार का होता है, एक बार दिखा दूंगा, बाकी तो अपने आप ही करना पड़ता है। जब खुद ऐसे हो ना तो दूसरों को सलाह नहीं दिया करते। मैं तो स्लिम ट्रिम एक मन का गड़े जैसा पेट लेके बैठे हुए हो, दोनों की जरूरत है, दोनों एक दूसरे को खाने वाले का। सेल्फ रियलाइज, वो रियलाइज हो गया क्या? सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, वो हो गया आपको। तो इसका मतलब अब आपको है ही, बट वो ये होता नहीं है क्या करें। देखते देखते स्वेटर के पीछे पेट ने मुझे धोखा दे दिया। स्वेटर उतरी तो पता लगा, रही तो पेट ही था, स्वेटर नहीं थी। पहले तो माना था कि ये तो स्वेटर से मोटा है, स्वेटर से वजन आ रहा है। आज मेरा ना ऐसे मन हो रहा है कि मैं अपने रूम को बहुत ही सुंदर सा सजा लेना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सुंदर सुंदर सा अपने आसपास जो नजारा होता है ना, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। घर का पूरा कंप्लीट काम हो चुका है और लास्ट में मुझे लगा कि मुझे अपने कमरे को अपने रूम को भी अच्छे से सजा लेना चाहिए, तो आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि जब आपका रूम एकदम ऐसे मस्त वाला सा होता है ना, बड़ी अच्छी सी फील आती है, ऐसे आपका ना उस रूम में रहने का मन करता है। ओके गाइस, मेरा काम कंप्लीट हो गया, आई एम सो हैप्पी। बड़ा ऐसे है ना, मतलब हल्का हल्का फील कर पा रही हूँ मैं, इतना अच्छे से मैंने घर को डीपली क्लीन कर लिया है, मेरे रूम को अच्छे से सेट कर लिया है मैंने। अभी एक चीज और है,
इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जी इसके अंदर है यार, अच्छा लगता है। इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना बहुत ही मस्त वाली, रोज चार्मिंग। तो हम कुछ देर के लिए इसको जलाएंगे और अच्छा सा फील लेंगे। सुंदर तो है ही। अभी इसको हम करेंगे खुशनुमा। लगी क्या? अभी नहीं छोटी-छोटी जो खुशियां होती है ना, छोटी-छोटी खुशियों को एंजॉय करना। आप एक बड़ी खुशी तो एंजॉय करते ही है, मतलब लाइफ में जब बड़ी आती है तो हर कोई एंजॉय करता है। और इस खुशी को तो इतने जो छोटे-छोटे पल होते हैं ना, डेली रूटीन के जो पल होते हैं ना, उसको भी एंजॉय कर लेना चाहती है। तो आज मेरा ऐसे मन हुआ कि घर को मैं अच्छे से डीपली क्लीन कर लूं, और खासकर अपने रूम को। तो बस आज पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया। आज मैं पूरी तरीके से थक भी चुकी हूँ, पर अच्छा लग रहा है। जो भी है मतलब जो आपकी मेहनत, जो आप करना चाहते हो, जो भी मतलब आपने सोच के रखा होता है ना, वो जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको अंदर से जो फील आता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है। और आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप ये वाला वीडियो आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आपकी खुशी को सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस, लव यू ऑल।